हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आखिर वो दोस्तों जो स्पर्श के जो मैसेज था, अब वो सबके पास आना शुरू हो गया है। और कंफर्म जो न्यूज़ आ रही है जिसमें कि जो स्पर्श का मैसेज था आपका एरियर के बारे में हमने बात किया था, और जो सबसे बड़ी बात रह गई थी वो रह गई थी दोस्तों आपका ORP3 का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो सितंबर में आना है कि नहीं आना है दोस्तों। और इसी को लेकर दोस्तों जो ये मैसेज आया हुआ है, ये जो मैसेज आया है वो इससे पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जा रहा है कि किन लोगों को जो है बढ़ी हुई पेंशन मिली है, यानी कि जो स्पर्श की जो पेंशन का जो इस बार भुगतान होना है, क्योंकि मैसेज आपको पता है कि पहले मैसेज आ जाता है और उसमें कितना भुगतान होना है, कब से होना है, वो सब उसमें डेट होती है। एक तो पेंशन की डेट फाइनल है, दूसरा ORP3 का जो बढ़ा हुआ पेंशन है, जहाँ पे अभी पूरा का पूरा चल रहा था कि अक्टूबर महीने में होगा, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी आया था, दूसरी तरफ PCDA की तरफ से जोर शोर से पूरी की पूरी तैयारी चल रही थी कि जो जितना भी पूर्व सैनिकों का जो बढ़ा हुआ पेंशन है, एरियर है, वो टाइमली भुगतान हो जाए। एरियर के भुगतान के बारे में हमने बात किया था दोस्तों कि लोगों को एरियर भुगतान ऑलरेडी जो है 20-21 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन वो नंबर कम था इसलिए वो कंफर्म नहीं हो रहा था। कंफर्मेशन के साथ हमने कल बात किया कि जो 2 महीने का एरियर है वो ऑलरेडी जो है ORP3 का हो गया। लेकिन अब बात है दोस्तों कि जो पेंशन है उसके बाद से दोस्तों Corendum PPO है। Corendum PPO भी हमने बात किया दोस्तों, वो भी जो है जारी होने शुरू हो गए थे, क्योंकि जिन जिन का डेटा जो है अपडेट होता जा रहा था, साथ ही साथ दोस्तों उनका Corendum PPO भी जारी हो रहा था। तो बात करेंगे दोस्तों अभी जो है जो पेंशन की तारीख है और पेंशन ORP3 की तरफ से किस तरह से बढ़ी हुई आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों 8वां वेतन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 तारीख को जो है इसका एक बहुत बड़ा मीटिंग था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में दोस्तों। और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, गुड न्यूज़ फॉर वेटरन्स, ऑल स्पर्श पेंशनर्स विल गेट न्यू ORP3 स्केल पेंशन फ्रॉम दिस मंथ एंड एरियर्स ऑफ पास्ट मंथ जुलाई एंड अगस्त। अपडेट फ्रॉम PCDA, अगर हम बात करें फ्रॉम 20th September, स्पर्श PPO एंड ORP3 इंटाइटलमेंट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग बाई PCDA प्रयागराज। तो दोस्तों PCDA प्रयागराज की तरफ से जो आपका PPO है वो जनरेट होना शुरू हो गया है, एरियर भी मिलना शुरू हो गया है। PCDA हैज लॉन्च स्पेशल ड्राइव टू अपडेट इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन स्पर्श डेटाबेस अफेक्टेड पेंशन हुज पेंशन हैव बीन माइग्रेटेड। Most likely pensioners of these categories also get benefit from ORP3. तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ से जो है ये आप देख सकते हैं स्पर्श की तरफ से अपडेट है, और जो एक ग्राउंड लेवल पर अपडेट है, और ग्राउंड लेवल पर अपडेट दोस्तों ये है कि मैसेजेस आ चुके हैं, बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज आ चुके हैं। और इसमें भी आपकी कन्फर्मेशन चाहिए होगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपके पास जो मैसेज आया है उस मैसेज की तरफ से, और या उस मैसेज में आपको जो है ORP3 बढ़ा हुआ है या ORP3 के बगैर है। क्योंकि दोस्तों दोनों तरह के अपडेट हैं, एक तो यह है कि सितंबर महीने यानी कि 30 सितंबर को जो है पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों कितना किया जाएगा वो भी मैसेज आ चुका है। अब जिन लोगों को मैसेज आया है, कई लोग ये पूरा कन्फर्म कर रहे हैं कि ORP3 का जो बेनिफिट है इस मैसेज के अकॉर्डिंग वो उनको इस बार 30 सितंबर को मिल रहा है। और उसके पीछे जो रीज़न ये है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद से जो पेंशन भी पता है आपको पिछले महीने कितनी आई थी, एरियर हमने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि एरियर जो है पिछले 2 महीने का जो बकाया था वो मिलना शुरू हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ ORP3 का जो है पेंशन है वो भी लोगों को जो है अब जो मैसेज के अकॉर्डिंग सितंबर महीने में भी आपका ORP3 का जो है बढ़ी हुई पेंशन आ रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम 10 से 15 लोगों को अगर हम बात करें तो उनके जो है ऑलरेडी जो है उनके पास जो मैसेज आया है वो ऑलरेडी जो है उनको जो ORP3 का बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं
जिनको कि मैसेज आया हुआ है कि उनको जो है सेम पेंशन मिलेगा जो कि पहले पेंशन मिला है, और उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि उनका अभी तक कोरिंडम पीपीओ जारी नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी शुरू हो चुकी है, और जिन जिन लोगों के जो है अभी तक कोरिंडम पीपीओ जारी हो गए थे उन सब का सितंबर में भुगतान कर दिया जाएगा, और जिन लोगों के अभी भी कोरिंडम पीपीओ बाकी हैं उनका दोस्तों अक्टूबर में किया जाएगा। दोस्तों इसमें ज़रूर क्लेरिफाई करना है आपकी, आपको जो है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अगर OR-3 का जो पेंशन का भुगतान है इसी महीने मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है मैक्सिमम कोरिंडम पीपीओ जारी हो चुके हैं। अगर कुछ लोगों को आया है तो वही सिचुएशन होगा कि इस महीने कुछ जिन जिन लोगों का हो गया उनको मिलेगा और बाकी नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पर्श की तरफ से जारी हो चुका है, एक बार ज़रूर चेक करके कन्फर्म करें। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, और ये है आपका 8वें वेतन आयोग को लेकर। और दोस्तों जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बहुत पहले से बात की जा रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो आपका जो है दिवाली से पहले जो है पूरी कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहली बात तो है कि 8वां वेतन आयोग के ऊपर कोई घोषणा हो, कोई कमेटी बैठे। तो दोस्तों 25 तारीख का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, अब इसके बाद से दोस्तों क्लियर होगा कि अभी जो 8वां वेतन आयोग है उस पर सरकार का क्या स्टैंड है। तो दोस्तों ये थे आज के दो इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।